हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो सकते हैं टेरिडोफाइटा। तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन्हें वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। और वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ये एम्ब्रोफाइटा का एक मुख्य वर्ग है। एम्ब्रोफाइटा क्या होता है? एम्ब्रो मीन्स एम्ब्रियो ही हो गया, फाइटा मीन्स प्लांट, यानी ऐसे प्लांट ऑफ ग्रुप जिनके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। तो ये कैसे होते हैं? एम्ब्रोफाइटा का एक मुख्य वर्ग है, इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ये क्रिप्टोगैम्स नाम जो है लिनियस ने 1754 में दिया गया था। और वास्तव में ये सभी क्या होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ये होते हैं, इनके अंतर्गत इनको रखा जाता है। और उस समय इन पौधों को, यानी क्रिप्टोगैम्स में, लिंगी प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज्ञान नहीं था। जब इनका नाम दिया गया था उस टाइम पे, इनके अंदर ये नहीं पता था कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप से भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। वास्कुलर का अर्थ होता है वहिनी ऊति, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू का उपस्थित होना। अर्थात टेरिडोफाइटा वर्ग के सदस्यों में पानी एवं खनिज लवणों के सेवन के लिए वहिनी ऊति यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जिसे जाइलम व फिलोएम कहते हैं। ठीक है, जाइलम और फिलोएम उपस्थित होता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट क्या होते हैं? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंड ये क्या करते हैं? इनके अंदर पाया जाता है कंडक्टिंग टिश्यू, जिसे जाइलम एंड फिलोएम बोलते हैं। जाइलम पानी एवं खनिज लवणों का सेवन करता है, कंडक्शन करता है, एंड फिलोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है। टेरिडोफाइटा के जो फॉसिल रिकॉर्ड है, ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड जो है टेरिडोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के फॉसिल रिकॉर्ड है, तो इसमें इसे स्पष्ट होता है कि टेरिडोफाइटा के सदस्य लगभग, ठीक है, जो ये टेरिडोफाइटा के फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी करने के बाद ये पता चला कि जो टेरिडोफाइटा के सदस्य है लगभग 350 मिलियन, ठीक है, इसके फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला है कि यहाँ पे 350 मिलियन वर्ष पहले पैलीजोइक तथा डिवोनियन युग के अंदर बहुत अधिक थे। ठीक है, जो पैलीजोइक एंड डिवोनियन पीरियड था उसके अंदर ये क्या थे? उसके अंदर बहुत ज्यादा अधिक थे। आधुनिक युग में टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे शाक यानी कि हर्ब के रूप में बहुतायत यानी कि ज्यादा पाए जाते हैं, तथा यह वनस्पति जगत का प्रमुख वर्ग है। ठीक है, सबसे प्रमुख वर्ग होता है ये। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये पुष्पीय पौधे में सक्सीडेड हुए हैं, तथा ये प्रारंभिक मोस्ट प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट है। ठीक है, ये क्या है? ये जो है ये पुष्पीय पौधों में सक्सीडेड हुए हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, इन टेरिडोफाइट से ही फ्लावरिंग प्लांट बने हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या बने हैं? इन टेरिडोफाइट से ही बने हैं। तो ये टेरिडोफाइट के अंदर क्या, ये टेरिडोफाइटा क्या हुआ है? पुष्पीय पौधों में यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सक्सीड हुए हैं, और ये मोस्ट प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो वास्कुलर टिश्यू होता है, वास्कुलर सिस्टम होता है, वो ज्यादा डिवेलप नहीं होता है, वो सबसे सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप का होता है। या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट्स के अंदर सबसे पहले इनके अंदर ही यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वास्कुलर टिश्यू देखा गया था। ऐसा नहीं है कि ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं होता है, उसके अंदर भी कुछ टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, कुछ टाइप की सेल्स होती है, लेकिन जाइलम एंड फिलोएम जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप का जो है यहाँ पे वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एम्ब्रोफाइटा का ये एक मुख्य वर्ग होते हैं, और इनके अंदर जाइलम और फिलोएम कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं। एंड अगर इसके फॉसिल रिकॉर्ड से पता लगता है कि ये पैलेजोइक एंड डिवोनियन पीरियड के अंदर इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा अधिक थी, और अब के टाइम में टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं वो हर्ब के रूप में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि टेरिडोफाइटा से ही फ्लावरिंग प्लांट्स सक्सीड हुए हैं, एंड इनके अंदर मोस्ट प्रिमिटिव वास्कुलर टाइप का यहाँ पे वास्कुलर प्लांट ये होते हैं।
इस वर्ग के पौधे या तो आकार में छोटे यानी कि साइज में छोटे होते हैं, वह एक वर्ष यानी कि एनुअल्स, एनुअल्स क्या होते हैं, जो एक साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, अथवा आकार में बड़े, ठीक है, साइज में लार्ज होते हैं, वह बहुवर्षीय यानी कि पेरिनियल्स होते हैं, जो कि एक से ज्यादा साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। ये पौधे प्राय ठंडे, नम व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, कुछ समय सुक्षोद्भिद यानी कि जीरोफाइट्स होते हैं कुछ सदस्य, और इस वर्ग के पौधे सामान्यतः टेरिस्टियल यानी कि भौमिक होते हैं, परंतु पौधे जैसे कि एजोला हो गया, मार्सीलिया हो गया, ये जलीय होते हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं, टेरिस्टियल भी हो सकते हैं मोस्टली, और ये कुछ स्पीसीज जो है इसकी इक्वेटिक हो सकती है, जैसे कि एजोला हो गया एंड मार्सीलिया हो गया। तो ये हो गए यहाँ पे, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के बारे में। इसके बाद टेरिडोफाइट के अंदर ये जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इनका उपयोग होता है। एजोला जो होता है, एजोला नामक टेरिडोफाइटा, जो कि क्या है, एजोला एक एक्वेटिक स्पीसीज है, पानी में पाया जाता है, जलीय है ये। तो एजोला जो होता है टेरिडोफाइटा के अंदर एनाबीना एजोली, ठीक है, एनाबीना एजोली, एजोली नाम की एक नीली हरी शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी वास करती है। ये यहाँ पे एनाबीना हो गया और ये हो गया यहाँ पे टेरिडोफाइट जो है उसका एजोला हो गया है, फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया एजोला और ये हो गया एनाबीना। एनाबीना क्या है, एनाबीना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और एजोला क्या है, एजोला एक टेरिडो फाइट है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो एजोला है, ठीक है, एजोला नामक टेरिडोफाइटा के अंदर, इसके अंदर एनाबीना एजोली नाम की हरी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये वास करती है, ठीक है, ये जो है एनाबीना ये इसके अंदर वास करता है। यह सवाल यानी कि ये जो एनाबीना है स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है, एनाबीना क्या करता है, एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इस कारण एजोला को धान आदि के खेतों में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की इनके अंदर जो है कैपेसिटी होती है, ताकि और नाइट्रोजन फिक्स होगी तो उस जगह की या फिर सोयल की या फिर उस खेत की जो वहां पे फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जो उर्वरता है वो बढ़ जाएगी। तो इनको क्या किया जाता है, एजोला को धान आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है, धान आदि के खेत में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह पौधा तालाब की सतह पर अधिक वृद्धि करके मच्छरों के लार्वा को सांस लेने में अवरोध करता है, जिससे उनकी वृद्धि में बाधा पहुंचते हैं और उन्हें बढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पे ये एजोला का लीफ दिखाया गया है, ठीक है, ये क्या है, एजोला का लीफ है। इस लीफ के अंदर ये लीफ की कैविटी है, गैस वैक्यूल है, और ये यहाँ पे क्या है, एनाबीना एजोली है, ठीक है, एनाबीना एजोली जो है इसके अंदर रहती है यहाँ पे, और ये क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो ऐसे जो ये टेरिडोफाइट्स है इनको जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो जो भी धान है या फिर जो भी फसलें हैं उनके अंदर उनकी उनको उनको उनकी जो यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर जो जो भी यहाँ पे खेत है, फील्ड्स है, उनकी जो फर्टिलाइजेशन की पावर है, या फिर हम बोल सकते हैं उर्वरकता है, उसको बढ़ाने के लिए। इसके बाद आता है सजावट के लिए, ऑर्नामेंटल की तरह टेरिडोफाइट्स को यूज किया जाता है। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले फर्न, ठीक है, फर्न की विभिन्न जातियों को घरों व बगीचों में सुंदरता के लिए इनको लगाया जाता है, जैसे कि लाइकोपोडियम, ग्राउंड पाइंस होते हैं, सिलेजिनेला, स्पाइक मॉसेस होते हैं, इनका उपयोग जो है अंदर व बाहर भूतल को सजाने या फिर ग्राउंड्स को कवर करने के लिए किया जाता है। तो ये सजावट यानी डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए इनको यूज किया जाता है। नंबर थर्ड आता है खाद्य पदार्थ के रूप में, एज फूड टेरिडोफाइटा का यूज किया जाता है। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पौधे
जैसे कि आइसोइट्स हो गया, ठीक है, जो आइसोइट्स हो गया, इसके जो इसका घन कंद है यानी कि इसके कॉर्म्स हैं, मनुष्य पालती पालतू व जंगली जंतुओं द्वारा खाए जाते हैं। इसके बाद इनका उपयोग जो है मनोरंजन हेतु, एंटरटेनमेंट हेतु इनका किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पौधे जैसे कि सिलेजिनेला हो गया, इसने सिलेजिनेला की कुछ मरुद्भिद जातियों को पुनर्जीवी पौधे यानी कि रिसक्रेशन प्लांट कहा जाता है, यानी कि वो दोबारा से, ऐसा लगता है कि दोबारा से वो जीवित हो गए हैं। इन्हें कौतूहल वश बाजार में बेचा जाता है, और ये पौधे सूख जाने पर, ठीक है, जब ये सूख जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है, सूखने के बाद ये ऐसे मुड़कर छोटी गेंद यानी बॉल के रूप में हो जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या हो गए, पूर्णतः मृत प्रतीत होते हैं। लेकिन जब इनमें पुनः पानी डाल दिया जाता है तो ये पौधे तेजी से पूर्णता से खुलकर हरे हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है ये खुल जाएंगे और ये हरे हो जाएंगे। तो ये ऐसे बोल के रूप में क्या कर लेते हैं, अपने आप को जो है मोड़कर सिकुड़ लेते हैं। तो इनको एज एंटरटेनमेंट पर्पस यूज किया जाता है। इसके बाद इनका उपयोग किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स के रूप में। टेरिडोफाइट्स जीवाश्म ईंधन के जमा होने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आदिकाल में विशाल हॉर्स टेल, ठीक है, जो जायंट हॉर्स टेल्स होते हैं, क्लब मॉस आदि दलदली वनस्पति स्वैम्पी वेजिटेशन का प्रमुख अंश थे। ठीक है, पहले के टाइम पे जो जायंट हॉर्स टेल्स थे, क्लब मॉस थे, ये स्वैम्पी वेजिटेशन का एक प्रमुख अंश थे। दलदल धीरे धीरे डूबने लगे और पौधों के विभिन्न भाग एकत्रित होते गए पानी में ऑक्सीजन के अभाव, क्योंकि ये जो स्वैम्पी जो एरिया होते हैं, जो दलदली जो एरिया होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे ऑक्सीजन का अभाव होता है, जिसके कारण इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया और ये कालांतर में कोयले के रूप में इनका निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये दब गए थे और पानी में ऑक्सीजन के अभाव के कारण ये क्या हो गए, ये डिकम्पोज नहीं हो पाए और ये कोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इनको एज अ फॉसिल फ्यूल, इनको फॉसिल फ्यूल्स के जमा होने में इनका बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है एक रोल होता है। इसके बाद आता है जीवनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स के रूप में टेरिडोफाइट्स को यूज किया जाता है। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले लाइकोपोडियम की अनेक जातियां नाइट्रोजन युक्त रसायनिक यानी कि एल्कलोइड बनाती है। ठीक है, लाइकोपोडियम की अनेक जातियां क्या करती हैं, एल्कलोइड नाइट्रोजन युक्त रसायन एल्कलोइड बनाती है और यह विष का कार्य करता है। अतः लाइकोपोडियम की सूखी पत्तियों यूरोपीय देशों में जीवनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जो यूरोपियन कंट्री होती है उनके अंदर एज अ पेस्टिसाइड्स इनको यूज किया जाता है। अब इसके बाद टेरिडोफाइटा वर्ग के जो कुछ पौधे होते हैं उनका कुछ यानी कि स्पेसिफिक जो प्लांट का अगर हम बात करें, तो हमने बात की कि इन जनरल इनका क्या महत्व है, क्या इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि कौन सी स्पीसीज का क्या महत्व है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें लाइकोपोडियम यूनडेटम की, ठीक है, स्पीसीज है यूनडेटम, इसके जो स्पोर होते हैं 50% फिक्स्ड ऑयल प्रदान करते हैं जो पिल्स में उपयोगी है। लाइकोपोडियम होम्योपैथी के रूप में उपयोगी है, ठीक है, तो इसको होम्योपैथी के रूप में उपयोग किया जाता है। एंड इनके अंदर, इनके स्पोर्ट्स के अंदर 50% फिक्स्ड ऑयल होता है, तो ये पिल्स के रूप में उपयोगी होते हैं। सिलिजिनेला के पौधे जो है बुश ग्रीन फोलिए से कारण ऑर्नामेंटल, एंड जो सिलिजिनेला बोट्रियोडाइस है इसको लीवर रोग में औषधि इसे बनाई जाती है। एक ही सेटम के में स्टैम पर सिलिका होने के कारण इन्हें वुड पॉलिशिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वुड पॉलिशिंग में इनको उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक ही सेटम अरवेंस का प्रयोग एज डायरेटिक इनको यूज किया जाता है। इस पौधे की जो एसिडिटी वह डायस्प्सिया में रिलीव करती है। इसके बाद एक ही सेटम जो डिबाइल गोनोरिया स्पीसीज है, गोनोरिया में उपयोगी होती है। ठीक है, जो ये स्पीसीज है डिबाइल इक्विसैटम की, ये गोनोरिया में उपयोगी होती है। इसके अलावा
इक्विसैटम हाई मेल पॉलिसिंग में यूज होती है। बेनिडिक्ट ने 1914 में बताया कि इक्विसैटम की कुछ स्पीसीज में फोर इंटू 1/2 तक गोल्ड मिलता है। तो ये क्या हो गई, एक तरह से गोल्ड को इंडिकेट करने वाली स्पीसीज होती है। इक्विसैटम क्यूसैटियम की कुछ जातियां सोयल में मिनरल कंटेंट की इंडिकेटर होती है। ठीक है, जहां पे इस टाइप की स्पीसीज उगती है वहां पे बताया जा सकता है कि यहाँ पे मिनरल कंटेंट पाया जा सकता है। तो अजोला का राइस कल्टीवेशन में ग्रीन कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे 30 से 38% तक उपज बढ़ जाती है। क्योंकि अजोला क्या करता है, अजोला एनाबिना उसके अंदर रहता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे फर्टिलिटी जो है सोइल की वो बढ़ जाती है। तो यहाँ तक हमने टेडोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।